नमस्कार, मन की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत सेन और आप देख रहे हैं मन की आवाज न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं आज वतन की ओर का आगाज हुआ और उसका उद्घाटन किया मुख्य प्रायोजक चौहान परिवार और जैन संघ के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने उद्घाटन किया। साथ ही साथ मुख्य प्रायोजक भामाशाह परिवार चौहान परिवार ने संबोधित किया और जैन संघ के अध्यक्ष भूरमल जी ने संबोधित किया। क्या कहा उन्होंने वो भी हम आपको सुनाएंगे। पहले देखिए पूरी रिपोर्ट कि किस तरह से उद्घाटन किया रंगारंग कार्यक्रम साथ साथ बलून छोड़कर। धन्यवाद भाई मुक्ता, राकेश भाई संघवी, सबसे निवेदन करूंगा कृपया स्टेज के पास आ जाए। सर्वप्रथम उर्वीस भाई पर हमारे संघ के अध्यक्ष श्री गुरुमल जी चौवटिया जी का बहुमान करें। जोरदार तालियां। मुकेश भाई भोरतरिया फूलों का गुलदस्ता देकर बहुमान करें। राजेश भाई, जीतू भाई, चंपक भाई, कल्पेश भाई, राकेश भाई संघ भी कृपया ऊपर आ जाए। सबका बहुमान करें। जितेंद्र भाई चौहान, उन्होंने भी कई रेस में पार्टिसिपेट किया है। उनका जो पार्टिसिपेट कार्ड है आईडी, मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा अपने हस्ता से हाथ से उनको दें। जोरदार तालियां। तन मन धन से जिस तरह से सपोर्ट, पूरा गांव, पूरे मंडार वासी, हर आधार स्तंभ और जिस तरह से हमारे मोरल को बढ़ाते हैं, सबकी हार्दिक अनुमोदना है। अजय भाई इसी के साथ में अभी कार्यक्रम का आगाज करेंगे। मैं इन 28 जो कार्यकर्ता है उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और जो काम कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि ऐसा काम करना मुश्किल है, लेकिन दे हैव डन इट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। और दूसरा, ये खेल है, खेल तो खिलाना है, लेकिन असल में तो क्या है, लोगों को मिलना मिलाना है। तो आप सब मिलिए एक दूसरे को, बहुत साल हो गए, 5 साल से हम लोग एक दूसरे को मिले नहीं है, तो आज इन सब से आप मिलिए, लोगों को पहचानिए, अपना गांव एक वतन की ओर। इट्स अ रियली अमेजिंग टू मीट ऑल ऑफ देम। या मंडार महोत्सव शुरू करते हैं। क्या बात है, इसी के साथ शुरू होता है भंडार महोत्सव 2022। वतन की ओर चलते हैं, बढ़ाते हैं एक कदम वतन की ओर। गुरुमल जी चौवटिया जी से निवेदन करूंगा कृपया दो शब्द आशीर्वाद की ओर से। भगवान की मंडार महोत्सव 2022 में श्री मंडार जैन संघ मंडार की ओर से मैं यहाँ पधारे हुए सभी मंडार वासियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि वतन की टीम ने पूरे भारतवर्ष में अपने व्यवसाय के लिए फैले हुए अलग अलग शहरों में बसे
महानुभाव में से बड़े ही सौंदर्यपूर्ण सुगंधित चुन चुन के फूलों को एकत्रित करके ला करके एक बहुत अच्छे से गुलदस्ते में सजाकर इस बगीचे के अंदर एक बड़ी ही महक, एक बड़ी सुगंध प्रसिद्ध की है, जो इस महोत्सव को पूर्ण रूप से 31 दिसंबर की रात तक इस महक से सुगंधित और सबको मनमोहक करके रखेगी। वर्ष दरमियान ये अपने यहाँ देखें, हर साल किसी न किसी रूप से कार्यक्रम होते रहते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही कम होते हैं। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के पीछे जो ये सोच इस वतन की टीम ने आगे करके इस गांव के युवाओं को एक साथ में जोड़ने की जो कोशिश की है, मैं इस वतन की टीम की एक बार पुनः खूब खूब भूरी भूरी अनुमोदना करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि जो युवा वैसे कभी भी अपना एक साथ में आते जाते रहते हैं, समय निकाल करके इस गांव के अंदर नहीं आते हैं, अपने वतन की ओर नहीं आ पाते हैं, अपने वतन को अपने वतन के प्रति अपना फर्ज नहीं निभा पाते हैं, आज इन्होंने इस तरह से यहाँ पर सबको बुला करके जो एक उदाहरण पेश किया है वो एक बड़ा ही काबिले तारीफ है। एक सजेशन इस बार मैं देना चाहूँगा इस टीम को कि जो उद्घाटन का जो माहौल बनता है वो माहौल नहीं बन पा रहा है। यदि आपने सभी पार्टिसिपेंट्स को कंपलसरी यहाँ पर परेड के लिए बुलाया होता, जैसे कि गेहूँ के अंदर जो उद्घाटन होता है अपने झंडे के साथ में हर शहर की टीम अपने एक झंडा लेकर के, क्या नहीं हो बता, तो अपना जैन धर्म के वतन का झंडा लेकर के यदि पार्टिसिपेंट करते इसका कुछ रंग ही अलग होता, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके इतने दिनों की इतने महीनों की 12 महीने की मेहनत के बाद में आज मैं विशेष करके धन्यवाद और अनुमोदना दूंगा गजरा बैंड हुक्मी चंद जी चौहान परिवार की, जिन्होंने दिल खोल करके, मेरे को तो बड़ा ताजुब होता है, मेरे को जितेंद्र जी मिले, मैंने ऐसे ही मजाक की, जितेंद्र जी बोले गुरु भाई मैंने टीम को बोल रखा है कुछ भी चिंता मत करना, लेकिन आयोजन इतना सुंदर होना चाहिए कि किसी भी रूप में किसी को कोई ये महस न होवे और पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं भारत के अंदर ये पता लगना चाहिए कि मंडार ने कोई इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया था। ऐसे इस लाभार्थी परिवार के भी मैं खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। एक बार पधारे हुए सभी पार्टिसिपेंट को मेरी ये विनंती है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखकर के ये इसमें भाग ले लें, कहीं पर भी कोई एक दूसरे के मन में किधर भी कोई है, सब गांव वाले ही हैं, सभी यंग ही हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेकर के खेल कूद को इस कार्यक्रम को बड़े ही सफल बनावे। ऑल दी बेस्ट, जय जिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।